मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस फिलहाल उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं करेगी। उम्मीदवारों को घोषित करने को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है। इसके पीछे का कारण संसद के विशेष सत्र और ईडीआईटी की छापेमारी है, जिसके चलते प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अभी नहीं किया जा रहा है। 18 से लेकर 22 तक लोकसभा का सत्र है, हमारी सूची कभी भी डिक्लेयर हो सकती है। इंतजार कर रहे थे कि क्या एकदम से लोकसभा का विशेष सत्र बिना किसी कारण बुलाना क्या निर्णय, क्योंकि ये जो लोग हैं ये तानाशाह लोगों की सरकार है, कब क्या निर्णय ले ले, इसलिए वेट एंड वॉच वाली स्थिति में सूची हमारी आधी से ज़्यादा सिंगल नाम की तैयार है। भोपाल में कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के साथ 4 दिनों तक चर्चा की थी। उसके बाद दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें माना जा रहा था कि हारी हुई सीटों पर पहले उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। दैनिक भास्कर के लिए भोपाल से विजय सिंह बघेल की रिपोर्ट।